नमस्कार एक बार फिर से स्वागत करते हैं न्यूज के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में पल पल बदलत राज बिहार के राजनीति में खास करके जब महागठबंधन की तरफ रुआ नज़र घुमाई तो बड़ा झमेला बुड़े और झमेला एक कारण बुड़ हुए कि अभी तक ले सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय नहीं निकल एक लेके अलग अलग तरह के बात सामने आ रहा है सूत्र कुछ बता रहा बड़े पार्टी के नेता कुछ बता रहा बड़े और क्रियाकलाप कुछ अलग हो रहा बड़ू है जहाँ एक तरफ सब कुछ ठीक के, के दावा कर जाते हुए हर दल जो महागठबंधन में शामिल बड़े वो लगातार यह बात के दावा भी कर रहा बड़े कि हमने में सब कुछ तय हो ग बा सिर्फ़ घोषणा करे के बाक़ी बुड़ भीतर में सब तय हो ग बा लेकिन जो अंगुरुरी रखे के आ कब्जा करे के जो रीति और नीति चल रहा बुढ़ हुए बड़ा अजीब तरह के माहौल पैदा करता संशय की स्थिति पैदा करता और बुझाते हुए बिहार के लोग संशय में भी पड़ बुढ़े साथ साथ पार्टी के लोग भी संशय में पड़े कार्यकर्ता संशय में बाड़े कि आखिर का हुई ऐसे कि कुछ भी साफ नहीं खे एनडीए में तो इतना क्लियर बन हु कि सत्रह सत्रह छः सीट मिल गई बा पार्टी लोग के बाकी तो महागठबंधन में कुछ वो साफ नहीं खे यानी माझी अलगे अपन खुदारी बेलचा लेकर तैयार बढ़ा कि हमार जमीन हैया से हैया घेरा दी केहू अलगे बांस बल्ला लेके तैयार बुढ़े हम हैया से हैया घेर ले हर कोई अपन अपन अंगुरी रख के अपन अपन खूंटा गाड़ी खाती तैयार बढ़ हुए एक खूंटा गाड़ा गाड़ी में जो राजद के तरफ से खूंटा गाड़ी वाला काम हो रहा बड़ा आंदोलित करे वाला बा खास करके महागठबंधन के और घटक दल के और सबसे बड़ उनका साथी जौन बड़े बरियार साथी जौन लंबा समय से वाला होते रहे कांग्रेस खातिर रुपए याद हुई कि कांग्रेस के एगो सीट जौन बड़ुए ओक पर पहले ही से तेजस्वी यादव अपन मित्र के बैठा दिले बड़े वो जाके जनता से उनका संपर्क भी करा दिले परिचय भी करा देले, और वो जाके रहे वाला भी हो हम बात करते हैं दरभंगा के दरभंगा में तेजस्वी यादव एक हाल और आरक्षण बढ़ाओ अब बेरोजगारी भगाओ के नारा देते हुए पहुंच गिले दरभंगा और दरभंगा के आप सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के मंच पर बुला करके और जनता से परिचित करा दिले दे कि देखिए नया चेहरा बढ़ा इन्हें ताल ठोक में तनिको कमी नहीं है मुकेश सहनी के भी वी आई पी पार्टी के जौन अध्यक्ष बड़न उ सीधे ताल ठोक बड़ा कि अब हर के, के दरभंगा छोड़ कर और कहाँ से लड़ब दरभंगा जन्मभूमि हमारन्म भूमि ह इ हे लोग हर के जानत उ दरभंगा पर अपन दावेदारी कर देंगे और लेने कांग्रेस भी दावेदारी कर रहा बड़ुए कीर्ति झा आजाद के थ्रू मैं तो केवल प्रधानमंत्री जी को एक उनका वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं मैं सम्मान करता हूं उनका उन्होंने कहा था एक सर के बदले दस सर लेकर आऊंगा मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है मैं केवल उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह एक के बदले एक भी सर अगर ले आए हो तो कृपया जरूर बताएं मैं 26 साल से मैंने निस्वार्थ सेवा की भारतीय जनता पार्टी की लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सरकार बनी है तब से मुखौटे के पीछे असली चेहरा सामने नजर आना शुरू हो गया और उस समय मुझे अफसोस हुआ जब मैंने जुमले सुने मैंने भ्रष्टाचार देखा मेरे दिल में आए कि मेरे पिताजी जो इस 24 अकबर रोड से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन शुरू की थी जिनको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत रूप से पहली बार उन्नीस में संसद बनाया था जब वो केवल छब्बीस साल के थे मेरे दिल में यह बात आई कि मैं भी जाकर वहां सेवा करूं और घर वापसी करूं और हमने घर वापसी की है कांग्रेस ने सबसे पुरानी पार्टी है देश की आजादी की लड़ाई लड़ी देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहे जिसने जातिवाद में विश्वास नहीं किया जिसने देश को तोड़ने में विश्वास नहीं किया वही जब जिस समय हम क्रिकेट खेलते हैं या किसी मैदान में रहते हैं कोई भी खिलाड़ी हो वो अपने देश के लिए खेलता है देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए काम किया और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नौजवान कर्मठ ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यह फटका दिया अपने हाथों से पहनाया और मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्यार से लिया है और कहा है कि आपको कोई भी तकलीफ यहां पर नहीं होगी मैंने पिछले पांच सालों में केवल जुमले सुने प्रधानमंत्री जी ने कहा था बड़ी प्रसन्नता हुई थी मुझे जब उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बातें करती थी उसके सामने जब सरकारी दस्तावेज मैंने पेश किए तो मेरे पीठ में छूरा भोंका गया कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का और मैं तभी उस वक्त समझ गया कि और जुमलों की तरह है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भी एक जुमला है आज पांच साल पूरे हो चुके हैं आंतरिक लोकतंत्र इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में खत्म हो चुकी है कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं सोशल मीडिया पर बैठकर मेंबर बना लेने से कोई सबसे एक नंबर का पार्टी नहीं बन जाता है और ये सारी चीजें मुझे खचोटती हैं मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं जब लोग मुझसे पूछते हैं तो यह चीज मुझे खचोटती है मेरे दिल पे चोट लगती है वह सरकार जनता को क्या सच बोलेगी जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट देती हो आप लोगों ने ये देखा कि अभी इन्होंने सीएजी का रिपोर्ट दिया है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि सीएजी रिपोर्ट दे दी गई और पीएससी ने देख लिया है जो उच्चतम न्यायालय को झूठ बोले पहले ही से की संभावना व्यक्त की जाती रहे कि कांग्रेस के सीट पर लड़ी है दरभंगा से कांग्रेस में शामिल है। हुई हैं आखिर अंत में वो हो गई हो गई के बाद एक बात बीच में आई कि कीर्ति झा आजाद दरभंगा से ना वो दिल्ली से चुनाव लड़ी हैं इस सीधे सीधे बातचीत के दौरान उनका से शायद जैसे सूत्र बता बड़े कि राहुल गांधी बात कहले कि दिल्ली से कहा नहीं लड़ रहे हैं ये बात चर्चा में आ गई लेकिन एकों से गंभीर बात हम करते नहीं हालांकि कीर्ति झा आजाद पार्टी ज्वाइन कल के, के बाद पहुंच गए अपने जगह पर और दरभंगा में लोग से मिल के कार्यक्रम शुरू कह दिले अब दरभंगा से के लड़ी तो संशय के विषय बढ़ले बढ़ूए एने दावेदारी मुकेश सहनी के बढ़ूए और एने दावेदारी इो कर बड़न मुकेश सहनी अब दिल्ली पहुंचले तेजस्वी यादव भी बड़न राहुल गांधी भेट नहीं है वोजा का चर्चा हुई तो बात के बाद बढ़ लेकिन राजद जोन बा तारा तारी में दोसरको सीट पर अंग्री रख दिलस दोसरका सीट बुड़ हुआ शिवहर के रु मालूम हुई कि लवली आनंद दल बल बेटा तकले लोग के संगे कांग्रेस ज्वाइन कैले रही राहुल गांधी के रैली से पहले उन दावा उन कर रहे कि हम पार्टी में घर वापसी नहीं घर वापसी तो ऐसे कीर्ति झा आजाद के भी भल बुड़ हुए वह कहली कि घर वापसी कई ले और घर वापसी में वो सीधे सीधे शिवहर के सीट उनकर चूंकि शिवहर से वो तीन तारीख के जनकांक्षा रैली में लोग के जुटावे के भी कही उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा बुड़ और उनका तैयारी भी चल रहा शिवहर के लेकिन यही बीच में रामा सिंह रामकिशोर सिंह रु जानते बानी वैशाली से सांसद बनो लोजपा से बढ़ो उ पहुँचल लालू प्रसाद के लगे और लालू प्रसाद के संगे मिल के अब वो सीधे दावेदारी कल शिवहर पर उनका इो कहना बड़े कि दू उठा के देखी दू हज़ार उठा के देख ली हम शिवहरे में बानी शिवहर क्षेत्र बढ़ुएं शिवहर के लोग से हमारे प्रेम बढ़ और शिवहर में सुने में आ रहा है कि उनका प्रचार भी शुरू हो गई बा अब स्थिति देखी दुसरका ऐसा स्थिति भागे लेकर के ले कांग्रेस और राजद में क्लेश के स्थिति पैदा हो रहा बड़ू महागठबंधन में सब कुछ ठीक बा तो बात समझ में आ गई लेकिन हरी जौन हो रहा बड़ुए का हुए कुछ लोग इो बात कह रहे रुआ याद हुई यही चैनल पर यही चैनल के थ्रू रुआ सुनल हो कब कि महागठबंधन के नेता कहते ने रहन कि हमनिके अपना विरोधी लोग के भड़कावे खातिर उन बात सुनने खातिर हनिके एक तरह के, के माहौल पैदा करते हैं जाए जहां से विरोधी के समझ में आए हनिके बीच में क्लेश बढ़े लेकिन हनिकेल छापामारी युद्ध करके कालीस के चालीसों का 40 सीट पर अपन जीत दर्ज करब जा हालांकि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं बुझात लेकिन जनता रुआ लोक वाणी कुछ सम्भव बढ़ुए रुल केहू के वोट दे सकेंगे रुवलो बढ़िया लागी लेकिन जौन स्थिति महागठबंधन में नजर आता उसे एक एक बाद समझ में आ रहा कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूला बहुत भारी पड़े जा रहा एक बार फिर से लवली आनंद के जो दावेदारी के दावा रहा वो दावा कमजोर पड़त दिखत हुए। दरभंगा के बाद शिवहर शिवहर के बाद अब माधेपुरा पर भी याद हुई माधेपुरा में भी कुछ ऐसने तरह के बात तेजस्वी यादव कई जा मधेपुरा रुआ पता बुढ़े कि पप्पू यादव कांग्रेस के बहुत नज़दीक बढ़न और जो सांसद भी बढ़न सुपौल पर भी नज़र रुआ इो याद होई वही वही सीट पर इ आरक्षण बढ़ाओ और बेरोजगारी भगाओ शुरू भई रहा तेजस्वी यादव के जौना जौना सीट पर पूरा दावेदारी कांग्रेस के बुढ़ुए बात कहाँ जा रहा बुड़े रगो लोग सोच कहीं तीसरा मोर्चा के सुखबुगाहट तो नहीं खे ऐसे कि बड़ा भयंकर विस्फोट से पहले बड़ा शांति होला उस शांति कहीं ना कहीं नजर आ रहा बड़ुए कांग्रेस में और राजद में हालांकि कांग्रेस के तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही बड़ुए कांग्रेस के एगो एग गोड़ पटना और एगो एग गोल दिल्ली में बड़ुए जितना भी कांग्रेस के कर्ता धर्ता बड़े अध्यक्ष हो कार्यकारी अध्यक्ष लोगों के या चुनाव प्रभारी का अध्यक्ष हो कास। या बिहार के प्रभारी हो कस शक्ति सिंह गोहिल डॉक्टर मदन मोहन झा डॉक्टर अखिलेश कुमार श्याम सुंदर सिंह धीरज कौकब कादरी जेकर नाम लेली सी एल पी लीडर जेकर भी नाम ली रुआ सदानंद सिंह के इस सब लोग के दिल्ली एक गोल बढ़ुएँ और एक गोल पटना में बढ़ुए उखम बा उख मचल बड़ुए उखम पैदा भई बुड़े खलबली मचल बुढ़ुए एक खलबली दो चार पाँच दिन एक सप्ताह के अंदर में कोनो ना कोनो जरूर अपन रूप रंग दिखाई ए बीच में एन के तरफ से बहुत मजबूत दावेदारी पेश जा बिहार में और बिहार सबसे हॉट बढ़ पूरे दो के चुनाव में ऐसा बुझाता कि बिहार जो जीत गई पूरा देश जीत गई का हुई का जाई अभी तक महागठबंधन में कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है केहू दावा के साथ खूंटा नहीं खे ठोक कि ये बात पक्का बढ़ुए सब केहू अभी भी असमंजस के स्थिति में बात संशय के स्थिति में बढ़ हुए और स्थिति घातक हो जा रुए कमजोर पड़ रु कार्यकर्ता के और जब, जनता के सोच में विचार में कहीं ना कहीं कमजोरी पैदा कर रहा बुड़ुए ये लोग के आपसी जो ज्वालामुखी अंदर अंदर बन रहा बुड़ुए ओकरा के लेके लेकर जुड़े न्यूज बिहार और भारत लाइव के साथ फिर को खबर लेकर लोग के सामने हाजिर होकर तब तक खाती गोड़ लागत धन हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूमें धन्यवाद